हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे। एक्चुअली चार स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे और दो तीन स्टॉक में आपको और बताऊंगा कि आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, बाकी आसपास अपने सभी लोगों के साथ की हेल्प करिए जो भी आपके आसपास नीडी वन लगता है। और अगर आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, क्लिक करें, फ्री में आप अपना अकाउंट ओपन कर दीजिए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए कल की डेट में हमने, अगर आप देखेंगे, दो दिन पहले ही DFM फूड से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, वहाँ पर भी आपको इंक्रीमेंट दिखाई दी थी। इससे पहले यहाँ पर भी वीडियो बनाई थी। ये सारे यहाँ पर, ये स्टॉक्स में भी देखिए ऊपर जाके नीचे आ गए। इन शेयर की तरफ आप ध्यान रख सकते हैं, अच्छा खासा रिटर्न मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा बात करें रामको सिस्टम्स की, यहाँ पर देखिए 3 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि आप इस शेयर में बाय ऑन डिप्स कर लीजिए, आपको ये अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ मिलेगा। क्या रीज़न था उससे रिलेटेड भी मैंने आपको बता दिया था। तो काफ़ी कम प्राइस पे वो मिलता हुआ नज़र आ रहा था और अच्छा खासा ये शेयर है। तो आज की डेट में अगर बात करें तो 7-8% का यहाँ पर रिटर्न देता हुआ ये कंपनी नज़र आ रही है। तो आइए ऐसे ही कुछ और स्टॉक में आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, अगर बात करें 2 से 3 महीने, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। एज वेल एज कुछ स्टॉक मैंने 1-2 दिन के लिए भी चूज़ करे कि 2-3 या 3 दिन में आपको अच्छे खासे रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जिस शेयर से रिलेटेड बातें करूँगा, बातें कर रहा हूँ ब्रिटानिया इंडस्ट्री। ओके, आई नो इसके रिजल्ट इस बार के काफ़ी अच्छे नहीं आए, लोगों की एक्सपेक्टेशन से बहुत बेकार रिजल्ट आया है। ओके, मैं भी इन्हें भी एग्जिट कर दिया था, बट अब ये उस लेवल पर आ गया है जिस लेवल पर ये बार बार बेस बनाता है, और बेस बनाने के बाद यहाँ पर ये भागता हुआ नज़र आता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये इस शेयर में अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, 10% के लगभग ये शेयर गिर चुका है। ओके, थोड़ा बहुत शेयर ये और गिर सकता है, बट अगर लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखते हैं तो काफ़ी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। और ये कैसे, मतलब इसके रिजल्ट कैसे भी आए हो, बट स्टिल मोस्टली लोग ब्रिटानिया के बिस्किट ही खाना पसंद करते हैं, ब्रिटानिया की ब्रेड खाना पसंद करते हैं, ब्रिटानिया के प्रोडक्ट यूज करना पसंद करते हैं। तो इस स्टॉक को आप अपने रिडार पे रखिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर आप देख लीजिए टेक्निकल्स, ये आपके सामने है। ओके, इसका मैक्सिमम लेवल ये है। और अगर बात करें यहां पर ये शेयर चल रहा है, इसने यहां पर देखिए बेस बना रखा है, हर बार ये यहीं पर ही बेस बनाता हुआ नजर आता है। बट ये कितना नीचे आ सकता है, तो अगर हम बात करें तो 3365 रुपये तक ये शेयर आ सकता है। अगर आपको गिरता हुआ मिलता है तो बाय ऑन डिप्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी अभी भी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये 2 महीने या 3 महीने, ओके, अगर इसका जो क्वार्टर, अगला क्वार्टर आएगा जून, ओके, जून जुलाई में जब इसके रिजल्ट आएंगे, तो उससे पहले ये आपको 10% के रिटर्न्स, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, वो देता हुआ साफ नज़र आएगा। यहाँ पर आप, अगर मैं बात कर लेता हूँ कितना, तो यहाँ पर देखिए 10% 11% के रिटर्न साफ नज़र आते हैं, तो ये देता हुआ नज़र आएगा। इसके RSI की भी अगर मैं बात कर लेता हूँ, काफ़ी फेवरेबल चल रहा है, 34, ओके, 34-30 के आसपास इस पर RSI चल रहा है। तो इस शेयर की तरफ नज़रें बनाइए, ब्रिटानिया लेने का टाइम है इसलिए बता रहा हूँ। इसके अलावा आज की डेट की डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीवरी, ओके, 43% की लगभग डिलीवरी उठाई गई है। रिजल्ट ओके एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट आए थे, थोड़ा बहुत कर्ज है इसके ऊपर। ROCE की बात करें, 45 के ROCE पे ये कंपनी चलती है, कोई भी प्लेजिंग नहीं है। ओके, रिजल्ट यहाँ पर अगर हम ईयरली बेसिस पे अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट, ओके, 1864 करोड़ रुपये का साल भर का प्रॉफिट है। बट स्टिल अगर बात करते हैं क्वार्टरली बेसिस में, यहाँ पर रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, यहाँ पर गिरावट होती हुई नज़र आई थी, बस यही है। बाकी ईयरली वाइज अच्छे खासे यहाँ पर परफॉर्म, प्रॉफिट करता हुआ नज़र आया है, अच्छे खासे रिजर्व्स है, बोराइंग बड़ी है अपने, ओके, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है। और कंपनी अगर बात करें यहाँ पर FIIs के पास अच्छे खासे यहाँ पर इंक्रीमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न उन्होंने बढ़ाया है, ओके, प्रोमोटर्स का सेम है, एज वेल एज बात करें DIS के ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो ऐसे टाइम पे लेने का मौका है। इसके अलावा एक जो मेरा शेयर सबसे अच्छा मुझे लगता है, अमरा राजा बैटरी, 767 रुपीज़ पे ये शेयर ट्रेड होता हुआ मिल रहा है। और अगर हम बात करें तो ये लगभग 5 लाख शेयर, 45% के शेयर यहाँ पर उठाते हुए मिले हैं। और बात करें यहाँ पर गिरता हुआ नज़र क्यों आ रहा है, तो देखिए आंध्र प्रदेश में इसके 2 प्लांट है, उसे कुछ टाइम के लिए, ओके, यहाँ पर बंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण से रिलेटेड कुछ है इस वजह से, तो ये इसी वजह से ये शेयर गिरता हुआ नजर आ रहा है। बट अगर बात करें तो बहुत रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर बात करें, ये शेयर अब भागता हुआ नजर आएगा, तो आप इसकी शेयर की तरफ नजरें बना के रख सकते हैं। तो अगर हम यहां पर देखते हैं
तो ये सपोर्ट इसका नज़र आता है ओके, जो कि पहले भी इसने बनाया है। अगर हम बात करें 28 के RSI पे ये शेयर आपको मिल रहा है, अगली बार ये शेयर इस तरीके से नहीं आएगा। एक्साइड इंडस्ट्री की अगर बात करें, एक्साइड इंडस्ट्री ने बहुत अच्छे रिजल्ट पेश करे हैं। इसके रिजल्ट भी आई थिंक 22 मई को इसके रिजल्ट है ओके, रिजल्ट से पहले पहले ये शेयर भागता हुआ नज़र आएगा। 28 के RSI पे चल रहा है, अभी टाइम है, अभी खरीद लोगे तो अच्छा खासा रिटर्न मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर हम बात करते हैं इसके रिटर्न की, तो ये कितना रिटर्न देता हुआ हमें साफ नज़र आ रहा है, तो अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 33% के बगैर, और मैं 33 की भी बात नहीं कर रहा, एक महीने के अंदर अंदर 15% के भी रिटर्न मिल गए तो आपको सबसे अच्छी बात यही हो जाएगी, और काफ़ी फेवरेबल है और कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और गिरता हुआ भी नज़र आए तो बाय ऑन डिप्स कर लीजिएगा, अगला लेवल इसका यहीं पर ही आसपास नज़र आता है, मतलब 700 से नीचे मुझे जो जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसी 720-760 के आसपास ये ट्रेड करेगा, और जब भागेगा एक वीक या दो वीक में तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। सॉरी ओके, एक्साइड इंडस्ट्री की अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। यहाँ पर अमरा राजा की बात कर लूं तो अमरा राजा अगर बैटरी की बात की जाए, एक्साइड इंडस्ट्री से भी ज़्यादा अच्छी कंपनी नज़र आती है, रिजर्व्स अच्छे खासे हैं, ये भी डेट फ्री लगभग कंपनी नज़र आती है ओके। यहाँ पर FIIs ने देखिए हिस्सेदारी बढ़ा ली है, DIIs ने थोड़ी सी कम करी है, पब्लिक के पास अच्छी खासी है, और पब्लिक के पास भी कहाँ अच्छी खासी है अगर बात करें अच्छे, यहाँ पर HNIs ने हिस्सेदारी ले रखी है, यहाँ पर आपको ओपन करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और एक्साइड इंडस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्साइड इंडस्ट्री के रिजल्ट जिस तरीके से आए थे ना, तो मुझे लगता है एक्साइड इंडस्ट्री से अच्छे रिजल्ट अमरा राजा के आएंगे, तो इसलिए आप ध्यान दे सकते हैं। देखिए थोड़ा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, आप देख लीजिएगा यहाँ पर अच्छे खासे रिजल्ट यहाँ पर पेश करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं SCLTech, तीसरा स्टॉक SCL टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बता रहा हूँ। यहाँ पर ये जो शेयर है ओके, बार बार इसका ये अगर बात करें, एक से दो महीने पहले भी इसने 900 रुपये पे इसने बेस बनाया था, अगेन उसी रेंज पे बेस बनाया था, रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे, रिजल्ट थोड़े गिरते हुए नजर आए थे जस्ट बिकॉज इसने अपने एम्प्लॉयज़ को 750 करोड़ रुपीज़ के आसपास का यहाँ पर बोनस बांट दिया था। तो ऐसी कंपनी जो अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोच रही है, ऑब्वियस सी बात है ये कंपनी अपने शेयर होल्डर के बारे में भी सोचेगी, और ये इस तरीके से अच्छे खासे रिजल्ट भी पेश करते हुए हमें नजर आएगा। तो अगर मैं अब बात करूं ये शेयर की, तो देखिए बार बार इसी लेवल पर ये बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है, अगर हम पिछले दो दिन की भी बात करें ओके, और इससे पहले भी बात करें तो देखिए यहीं पर ही बेस बनाता हुआ ये नजर आ रहा था। थोड़ा बहुत और गिर सकता है, और गिरेगा तो और ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर बात करें तीसरे नंबर या चौथे नंबर की इंडिया में SCL कंपनी नजर आती है, और इसके RSI की बात करें तो बड़े फेवरेबल, लगभग 33 के RSI पे ये कंपनी चल रही है, तो इसे लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, काफी बेहतरीन यहाँ पर शेयर नजर आता है ओके। इसके अलावा जो तीसरी कंपनी, अगर ये तो मैं आपको दो दिन या तीन दिन के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि 6 तारीख को इसके रिजल्ट है, ब्लू स्टार ओके, मैंने पहले ही यहाँ पर ले लिया था, बट यहाँ पर आज के डेट में अच्छा खासा भागा भी था, बट मार्केट की गिरावट के साथ यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया ओके। बट मुझे लगता है कि दो दिन के अंदर अंदर, क्योंकि जिस तरीके से इसमें वॉल्यूम थे, या वॉल्यूम की भी बात ना की जाए, अगर हम जो हम अपनी स्टडी की बात करें RSI की, तो देखिए इसी RSI पे लगभग 40 के RSI पे कंपनी शेयर कर रही है, एज वेल एज यहीं पर ही बार बार ये अपना बेस बना रही है, और इसी बेस से यहाँ पर ये अब ऊपर जाती हुई नजर आएगी, ऊपर चली भी गई थी बट ये गिरावट हो गई ओके। और बात करता हूँ कि ये लगभग 10% के रिटर्न आपको दो दिन के अंदर अंदर, या 5% के भी रिटर्न आपको दो दिन के अंदर मिल गए तो क्या जाता है, तो अच्छी खासी। बाकी गर्मी बढ़ रही है, और गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ऑब्वियसली बात है इनका बिजनेस और चलता जाएगा, तो ऐसी कंपनी को ही हमें चूज करना है, ऐसी कंपनी आपको अच्छी खासी रिजल्ट देती जाएगी। बाकी ब्लू स्टार बहुत जानी मानी कंपनी है, आप सभी लोगों को इसके बारे में पता है ओके। एंड बात करें इसके, इसमें थोड़ी बहुत कर्जा नज़र आता है, यहाँ पर अगर बात करें आज की डेट में लगभग देखिए 45% की यहाँ पर डिलीवरीज, लगभग 60,000 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे उठाते हुए नज़र आए हैं। तो इसी चार शेयर से रिलेटेड बातें करनी थी, क्योंकि देखिए हमने पहले भी अपने इन शेयर से रिलेटेड बातें करी है, 5-5, 4-4, 6-6% के रिटर्न दो चार दिन में हमें मिल गए हैं। इसी तरीके से अगर और भी हमें 2-5 दिन में इस तरीके से रिटर्न मिल जाए तो क्या परेशानी है। ब्रिटानिया आपको अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा, 3800 रुपये तक फिर द्वारा जाता हुआ नज़र आएगा, तो 10% के रिटर्न ओके। एज वेल एज बात करें अमरा राजा, ये भी 10-15% के रिटर्न इजीली दे देगा। SCL टेक्नोलॉजी अगर आप 3 महीने रख लेते हैं, 1100 रुपये तक वो टच करेगा ओके, टच कर देगा उस टाइम बेच दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। ब्लू स्टार तो दो दिन में ही मेरे को लगता है 900 को टच कर लेगा, तो इस शेयर की तरफ नजर बनाइएगा। तो ये चार शेयर थे, अगर आपको अच्छे लगते हो तो अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र और खुद की स्टडी कर लीजिएगा, फिर ले लीजिएगा। बाकी ये मेरी खुद की स्टडी थी, जो मुझे अच्छी लगी मैंने आपको बता दिया, और शेयर
अच्छा लगता हो, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके पास लाता रहूं और हम सब मिलके इस तरीके से प्रॉफिट, छोटा छोटा प्रॉफिट ही सही बट प्रॉफिट करते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।